हेलो फ्रेंड, आज एक कॉमन सी जरूरत पड़ गई है कि आप जहां भी जाते हैं, स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो या किसी ऑफिशियल काम से जाते हैं, तो फोटोकॉपी की रिक्वायरमेंट पड़ती है किसी डॉक्यूमेंट का। तो आज उसी के रिगार्डिंग एक वीडियो है जिसमें हमने कैनन प्रिंटर का कार्टेज प्रिंटर होता है, इसको इंस्टॉल करना बताएंगे, साथ में दिखाएंगे कि इससे कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो कार्टेज 912 इसका सीरीज है, और साथ में आपको ये बताना चाहेंगे कि इसके हम कैसे इंस्टॉल करेंगे प्रिंटर में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम प्रिंटर आपको सामने लगा रखे हैं। आप एक, मैं कैमरा घूम व्यू कर देता हूँ, तो यहाँ कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम कार्टेज के बारे में बात करेंगे, तो कार्टेज को पहले हम ओपन करेंगे। तो देखिए, मैंने थोड़ी सी इसे फ्लैप खोल रखा है, अगर इसे निकालेंगे तो पैकेजिंग से निकालने के बाद ये कुछ इस तरह का पैकेजिंग होगा, जिसकी मार्केट प्राइस आज के डेट में 800 रुपये है, अगर आपके पास इसका टोनर अवेलेबल हो तो। इस कार्टेज को हम इंस्टॉल करना अभी दिखाएंगे आपको, इसको पहले कवर ओपन करके। तो सबसे पहले हम इस कवर को एक सीजर या नाइफ के द्वारा ओपन कर लेंगे, और ओपन करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि इसमें से एयर एयर टाइट होती है। थोड़ी एयर को हम इसे निकाल लेंगे। तो आप जैसे ही इसे ओपन करेंगे, सारी वन बाय वन लेयर निकलती जाएगी। मैं सीजर का यहाँ यूज कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से यूज कर लेना जो भी हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने कार्टेज का ये कवर ओपन कर दिया। उसके बाद इसमें से अब टोनर को निकालते हैं, कार्टेज फिल्टर को पूरी तरह से। तो देखिए, कुछ इस तरह का आएगा ये कवर, इसको आप डंप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कार्टेज है, लेकिन अब कई लोग क्या करते हैं, इस कार्टेज प्रिंटर को प्रिंटर में डायरेक्ट इंस्टॉल कर देते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए, देखिए यहाँ एक पत्ती दिया हुआ है जो इसका सील भी है, और इसको डैमेज होने से बचाने के लिए लगाया हुआ रहता है। तो इसे आपको इस डायरेक्शन में पुल करना होता है। तो देख सकते हैं, मैं इसे पुल कर देता हूँ, आप भी इसे पुल कर लेना। ये पुल कर लेंगे तो आप इसके बाद ये यूज करने के लिए रेडी हो गया। तो आप इसमें देख सकते हैं कार्टेज फिल्टर का ये रोलर है, और बिल्कुल न्यू ब्रांड रोलर है, इसको आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए, अभी इसको हम प्रिंटर में लगाना देखते हैं कि इसको प्रिंटर में कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रिंटर है, प्रिंटर का आपका ये ऊपर का कवर सबसे पहले हटाना होता है। तो आप कवर हटा लीजिए, मैं इसको थोड़ा साइड व्यू से दिखा देता हूँ आपको। कवर हटाने के बाद हमारे पास इस टाइप से एक स्ट्रक्चर आएगी क्या इसका, और इसमें आपको ये ब्लेड के साथ से यहाँ पे आपको पुश करना है, और इसकी कार्टेज फिल्टर वाला सेक्शन आपका ओपन हो जाएगा। सेक्शन ओपन होने के बाद आपको इस कार्टेज को इस टाइप से पकड़ना है, देख सकते हैं आप, हैंडल इस टाइप से आपको पकड़ना है, इसमें रखे स्लॉट पे आपको बैठा देना है फिर से, और वो साथ साथ बैठते हुए चला जाएगा। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे कार्टेज में ये पिन होती है जहाँ से ये कार्टेज का कम्युनिकेशन होता है। तो इस पिन को इस डायरेक्शन में रखना है कि आपका कार्टेज में ये आसानी से बैठ जाए। तो देख सकते हैं, ये पुल करिएगा तो बाहर की तरफ आएगा, और इसके साथ साथ ये ढक्कन ढक्कन पुश हो जाएंगे और ओपन हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि मैं इसको पुश कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी ये डिसमेंटल है ये कार्टेज का ये कनेक्शन, और ये साथ में आपका जब बैठ जाएगा तो साथ में देखिए यहाँ पे कनेक्ट हो गया। मैं ये थोड़ा एक बार आपको पुल करके दिखा देता हूँ कि कैसे डिसमेंटल होता है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे डिसमेंटल हो चुका है और ये फिर से उस टाइप से कनेक्ट हो गया है। उसके बाद आप इसके कार्टेज को बंद करेंगे, उसके बाद इस ढक्कन को आप बंद कर देंगे। बंद होने के बाद देखिए, अपना ये वार्मिंग का टाइम ले लिया, वार्म हो रहा है, और इसके बाद आप कोई भी पेन के लिए है इसको हमें प्रिंट करके देना है। तो हम यहाँ से प्रिंट का कमांड पे जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद ऑप्शन आ जाएगा कि हमें ये एक प्रिंट में करना है, क्या करना है। तो मैं यहाँ से प्रिंट दे देता हूँ, आप देख सकते हैं। प्रिंट देने के बाद इसे प्रिंटर पे कमांड आएगी, और देखिए स्टार्ट हो गया प्रिंट करना, और इसकी कार्टेज का आप देख सकते हैं कि इस तरह से आसानी से ये प्रिंट कर पाएगा। आप देख सकते हैं, मैं प्रिंट हो चुका है, और कितनी फास्ट और क्लियर प्रिंट होती है। और अगर आपकी कॉस्ट के बारे में जानना चाहेंगे तो 800 रुपये है, और इसमें करीब 1500 प्लस पेज इससे प्रिंटिंग हो सकता है। तो आप इसकी रेट के हिसाब से अगर आप देखना चाहेंगे तो एक प्रिंट आपको करीब करीब 55 पैसे के पड़ता है, 60 पैसे का।
बिल्कुल इजी है, अगर आपके पास सिस्टम है तो इसे यूज कर सकते हैं। फोटोकॉपी के रेट में ब्लैक एंड व्हाइट आप प्रिंटर यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आगे इस टाइप के आपको प्रिंटर से रिलेटेड कभी भी जानकारी होगी तो आप प्रिंटर कर लगा देंगे और अपनी सुविधा के लिए इसे यूज कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।